तो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज मेरे पास काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज हम बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी ने एक ब्लॉग डाला था जिसका टाइटल था फाइनली मम्मी पापा की शादी हो गई, एंड उसी टाइटल पर रिएक्ट करते हुए बीबीजी ने एक स्टोरी पोस्ट की। सो आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। तुम्हें पता है ये सौरव जोशी झंडू क्यों है? क्योंकि भाई इसे टाइटल लिखना ही नहीं आता, फाइनली मम्मी पापा की शादी हो गई। अबे इससे पहले तू क्या बिना शादी के आ गया था क्या? चल फाइनली तूने शादी करा दी तो अब ये इन्हें हनीमून में मत भेजो, क्योंकि एक सौरभ जोशी तो झेला नहीं जा रहा, दूसरा नहीं झेल पाएंगे भाई, सच बता रहे हैं। और भाई सच बताऊं, टाइटल सही से डालना सीख ले। फाइनली मम्मी पापा की शादी हो गई नहीं, यहाँ पे लिखना था फाइनली मम्मी पापा की दोबारा शादी करा दी, समझ रहे हो? टाइटल डालना सीखो पहले। सो आगे हम बात करने वाले चिमकांडियन के बारे में। तो चिमकांडियन गुस्सा है जोमेटो की सर्विस से, क्योंकि जोमेटो से उन्होंने कुछ ऑर्डर किया था एंड वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, एंड डिलीवरी बॉय उनका फोन भी पिक नहीं कर रहा। एंड इसके बाद में चिमकांडियन जोमेटो से रिफंड की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जोमेटो वाले उनको 10 मिनट 20 मिनट का वेट करा रहे हैं एंड उनको रिफंड नहीं कर रहे हैं। तो उसी के बारे में उन्होंने स्टोरी पोस्ट करते हुए ये कहा। जोमेटो अगर आप लोगों से सर्विस नहीं दी जा रही ना तो छोड़ दो ये काम, किसी और को दे दो। इतनी घटिया सर्विस है आप लोगों की, इतनी घटिया इसकी कोई हद नहीं है। मैंने ऑर्डर किया था एक, तो मेरा ऑर्डर डिलीवर हो जाना चाहिए था 1:43 पर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिले दिखाया उसमें, तो मैंने चैट पे उनसे बात की कि डिले क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा डिले। मैंने आप 10 मिनट वेट कर लीजिए 53 तक। मैंने कहा कि ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। 53 पर मुझे मैप पे वो डिलीवरी पार्टनर की लोकेशन शो कर रहा है कि वो पहुँच गया, बट वो ना मुझे कॉल कर रहा है ना मेरा कॉल पिक कर रहा है, ऊपर से कॉल कट कर रहा है। फिर मैंने इनकी टीम से बात करी तो ये बोल रहे हैं कि सर वो वहीं है, आप वेट कर लीजिए 10 मिनट और। मैंने कहा ठीक है 10 मिनट और वेट करता हूँ। 10 मिनट करते करते 20 मिनट हो गए और अब वो कनेक्ट भी नहीं कर रहे किसी कस्टमर केयर से, ठीक है। 20 मिनट वेट करने के बाद 53 से 2:20 हो गए थे शायद से, मेरे हिसाब से 15 या 20, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने एक किसी ने कॉल कनेक्ट किया, ठीक है, और मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई। तो वो कह रही कि वो हमारा भी कॉल नहीं उठा रहा डिलीवरी पार्टनर। तो मैंने कहा मैम जब वो आपका कॉल नहीं उठा रहा मुझे रिफंड कर दीजिए। तो कह रही कि नहीं ऑर्डर निकल चुका है हम रिफंड नहीं कर सकते। तो मैंने कहा तो मैम क्या कर सकते हो आप ये बता दो। तो कह रही कि आप वेट कर लो। मैंने कहा मैं कितना वेट करूँ? मैंने कहा ठीक है मैं और वेट करता हूँ। वेट करते करते मैंने 10 मिनट और वेट किए। फिर मैंने उनसे बात की कि मैम अब 10 मिनट हो गए और कितना वेट? तो कह रही वो हमारा भी कॉल कट कर रहा है, वो कॉल नहीं उठा रहा। तो मैंने कहा तो मैम आप मुझे रिफंड कर दो। कह रही हम रिफंड नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैम क्या कर सकते हैं? तो कह रही कि उसने डिलीवरी मार्क कर दी है पार्टनर ने कि डिलीवरी हो चुका है। मैंने कहा मैम मुझे कुछ नहीं मिला, जब मुझे कुछ मिला ही नहीं तो आप मुझे रिफंड कर दो। उसके बाद मैं इनको बोल रहा हूँ कि मैम अगर आपका डिलीवरी दिखा दी है और नहीं हुआ है तो आप क्या करो मुझे रिफंड कर दो, मेरे पैसे दे दो, और जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है ना उसका मुझे जो भी बनता है वो दे दो। तो कह रही कि हम ये नहीं कर सकते, और उन्होंने कॉल कट कर दिया। उसके बाद मैंने फिर दोबारा चैट सेक्शन में गया, उसके बाद मैंने फिर वेट किया, उन्होंने मुझे किसी और से कनेक्ट करवाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है सर हम आपको रिफंड कर देते हैं। अबे अपने 250 रुपये की ना अब तुम बत्ती बना लो। तुम लोगों को मतलब किसी का एक घंटा वेस्ट करने से तुम्हें मजा आ गया ना, एक घंटा पूरा वेस्ट कर दिया किसी का, यही चीज़ तुम पहले नहीं कर सकते थे। वो मैं बोल भी रहा हूँ उनको कि मैम वो डिलीवरी पार्टनर जो है वो या तो उसने खा लिया है या तो वो नहीं देना चाह रहा, क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रहा, वो खुद से कॉल नहीं कर रहा, वो कॉल कट करे जा रहा है। बट आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही, आप लोगों को मैं बोल भी रहा हूँ मुझे रिफंड कर दो, मुझे नहीं चाहिए, बट आप लोग वेट कर लो वेट कर लो। सो आगे हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान का न्यू क्लोथिंग ब्रांड है जिसका नाम है डीआओलक्स, जो कि बहुत महंगा है, आम आदमी उसे परचेज नहीं कर सकता। तो उसी के लिए किसी यूजर ने एसआरके को ट्वीट करते हुए लिखा, ये डीआओलक्स के जैकेट थोड़ा सा 1000-2000 वाले भी बना दो, वो वाले खरीदने में घर चला जाएगा। तो उसी का रिप्लाई करते हुए शाहरुख खान बोलते हैं, ये डीआओलक्स वाले लोग मुझे भी सस्ती नहीं बेच रहे, कुछ करता हूँ। अब देखो वो सस्ती हो या नहीं हो, अगर आप भी पहनना चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। सो आगे हम बात करने वाले विराट कोहली एंड नवीन उलक के बारे में। तो आपको पता ही होगा इनकी लड़ाई के बारे में। सो गुजरात एंड लखनऊ का मैच था जिसमें विराट कोहली ने इनडायरेक्टली कुछ स्टोरी पोस्ट करते हुए उनको जवाब दिया। एंड कल आरसीबी वर्सेस एमआई का मैच था जिसमें नवीन उलक ने भी इनडायरेक्ट रिप्लाई करते हुए कुछ स्टोरी पोस्ट की। पहले स्टोरी पोस्ट की स्वीट मैंगो एंड सामने उनका मैच चल रहा था, एंड सेकंड स्टोरी पोस्ट की राउंड टू विद दिस वन ऑफ द बेस्ट मैंगोज आई हैव एवर हैड थैंक्स दवल पर बाई, एंड सामने फिर एमआई का मैच जिसमें 27 गेंद में 8 रन चाहिए थे। सो आगे हम बात करने वाले आदि पुरुष के बारे में। तो आदि पुरुष का न्यू ट्रेलर आया है जिसपे बहुत से यूट्यूबर ने रिएक्ट किया। आशीष चंचला ने लिखे, दिस वॉज सो सरप्राइजिंगली गुड डाम, दिस विल टेक ए अर्थ शेटरिंग ओपनिंग एट द बो, एंड फुकरा इंसान ने ये स्टोरी पोस्ट की। भाई तुम लोग जो भी कर रहे हो सब छोड़ छाड़ दो, यूट्यूब पे जाओ, मैं कह रहा हूँ आदि पुरुष का ट्रेलर देखो भाई, प्योर गूजबम्प्स, जेन्युइन बता रहा हूँ, इतनी एक्साइटमेंट हो गई है ये मूवी देखने की भाई, इसको रिलीज करवाओ, मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला भाई, ये नेक्स्ट लेवल VFX, नेक्स्ट लेवल डायरेक्शन, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे है भाई। हाँ ऐवी मजाक उड़ा रहे थे हम लोग भाई कि बेटर VFX और आदि पुरुष, भाई ये कुछ अलग, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी भाई ये मूवी, गारंटेड।
सो आगे हम बात करने वाले हैं देसी नर्ड के बारे में। तो देसी नर्ड ने आदि पुरुष के ट्रेलर पर रिएक्शन करते हुए एक वीडियो अपलोड की, जिसके बाद में ट्री सीरीज ने उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी, जिसके बारे में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, चलो भाई स्ट्राइक आ गया ट्री सीरीज से फॉर आदि पुरुष ट्रेलर रिएक्शन। सो आगे हम बात करने वाले हैं अर्श बेनीवाल के बारे में। तो अर्श बेनीवाल का न्यू प्रोजेक्ट वीडियो आने वाला है, जहां उन्होंने ट्विटर पे एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, चेकमेट अनाउंसिंग सून। सो आगे हम बात करने वाले उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद को बोन बाब ने थोड़ा सा पोक कर दिया है, जहां उनकी बीबी वाइंस पर एक वीडियो आई है लव का हक्कर, जिसमें उन्होंने उर्फी जावेद को पोक किया है। तो मैं वो क्लिप दिखा देता हूँ। का नाम नहीं ले सकता क्यों? वोल्डेमॉर्ट है बच्चे, बता। नफर लग जाएगी उसको। अबे तेरी नजर पड़ गई उस पे, और क्या बुरा हुआ उसके साथ? यार तुम लोग समझ नहीं रहे, उसको देखते ही अपने होश खो देता हूँ। क्लोरोफॉर्म थूकती है क्या बच्चे? वो मुझे हर जगह दिखती है। उर्फी जावेद का भी ऐसा ही सीन है। अरे रुक ना यार, तू चुप रह। भाई हम लोग इसलिए हैरान है क्योंकि फ्रैंक